दूल्हे राजा को चाहिए थी स्विफ्ट डिजायर, बुलेट नहीं चाहिए। थू है ऐसे दूल्हे पर जो भैया बारात लेकर आए और द्वार से लौट जाए। कि उनको इतनी बुरी सजा मिलनी चाहिए जी, बहुत बुरी सजा मिलनी चाहिए ऐसे दहेज के लालची आदमी को। जी बड़ी गाड़ी मांग रहे जी हमसे जी, चार भैया की है। दूल्हा माँ से बारात लेके दोनों बाप बेटे और उनके ताव उल्टे ही भगे यानी आए हमारे पास। स्विफ्ट डिजायर गाड़ी मांग रहा था कि मुझे बुलेट पसंद नहीं, मुझे आपने तो बुलेट दिया था ना। हाँ, हमने ऐसी घटना के बाद तुमको बेटी देगा कौन। बारात का इंतजार करते रहे, 12 बजे के बाद में हमको पता चला कि बारात यहाँ आकर के दहेज के चक्कर में यहाँ से चली गई। आपको स्विफ्ट डिजायर चाहिए था और यहाँ पर ये लोग बुलेट दे रहे थे, इसलिए आप बारात वापस ले गए। नो सर, गलत रीजन है ये। वैसे करते क्या थे कुछ नहीं करता था, बाप के रोटी पलता था, कुत्ता बन करेंगे। मित्रों, बहुत सारा दहेज उत्पीड़न और दहेज का मामला आपने आए दिन पिछले दिन सुना होगा, लेकिन आज हूँ मैं हरियाणा के बल्लभगढ़ में। ये एक कॉलोनी है और इस कॉलोनी के बारे में भी बताएंगे, सुभाष कॉलोनी। भैया दूल्हे राजा को चाहिए थी स्विफ्ट डिजायर, बुलेट नहीं चाहिए। बुलेट लड़की के पापा ने, लड़की के माँ बाप ने लाकर खड़ी कर दी कि दहेज में देंगे, लेकिन दूल्हे राजा को स्विफ्ट डिजायर चाहिए थी। ऐसे दूल्हे राजा पर धिक्कार है, थू है ऐसे दूल्हे पर जो भैया बारात लेकर आए और द्वार से लौट जाए। ये मामला मैं पूरा आपको बताऊंगा। इस वक्त मैं हरियाणा के बल्लभगढ़ में हूं मित्रों। एक ऐसी घटना जो सबको झकझोर कर रख देगी, पूरे समाज को हिला कर रख देगी। भारत के कानून में भी इसका प्रावधान है कि अगर कोई दहेज उत्पीड़न करता है, दहेज मांगता है, तो उसको लंबी सजा दी जाए। देखिए यहां पर कुछ परिवार है और इनसे मैं आज बात करूंगा। बताया जा रहा था कि 1 जुलाई को यहां पर लड़का पक्ष आए हुए थे अलीगढ़ से, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से बारात लेकर आए थे और उन्होंने यहां पर 2 लोगों को मुखबिर अपना बनाकर भेजा और कहा कि जाओ देख के आओ कि दहेज में क्या मिलेगा, स्विफ्ट मिलेगी या बुलेट मिलेगा। तो 2 लोग आए मूक बंदी बनकर मित्रों, और जब मूक बंदी बनकर 2 लोग आए तो उन्होंने देखा कि यहां बुलेट खड़ी है, तो वो अपनी बारात वापस ले गए। ऐसे लोगों पर छी है, धिक्कार है, ऐसे लोग जागेंगे कब। मित्रों आपको बता दें कि इनको कानून सजा भी देगा और आज हम उस दूल्हे से बात भी करेंगे। लड़की के कौन है आप? नाम जी लड़की का। हाँ बताएं, क्या समस्या है? ये समस्या जी, माल मांग रहे थे जी, बुलेट मांग रहे थे, वे बड़ी गाड़ी मांग रहे जी हमसे जी, 4 महीना की। आपने तो बुलेट देने के लिए हामी भर ली, फिर कैसे नहीं माने? अब सब लौट के देख के बुलेट को, लौट के उल्टे हो गए, बुलेट को देख के FIR दर्ज करा दिया। कर दिया जी। हाँ क्या कहें, शब्दों की कमी है मित्रों। ये देखिए लड़की के दादा हैं। दादा जी ये बताइए ये कैसे हो गया, और 1 तारीख को बारात आई और कहाँ से वापस चली गई, कैसे? ऐसे हो गया, दहेज के ऊपर हो गया। हमने जो छोटी मोटी व्यवस्था थी उनके लिए सब कुछ कर रखा था जी, देने के लिए पैसा भी थोड़ा बहुत, उसके लिए सोना भी, थोड़ी बहुत चांदी भी बच्ची के लिए। और अपनी लड़की को कौन भूखा भेजना चाहेगा, जो होता है सब देते हैं। जो हमारी इच्छा थी, हमारी इतनी औकात नहीं थी, हमने इतना कर दिया, किसी से कर्ज लिया, किसी से भीख मांगी, खाने पीने का व्यवस्था बनाई, एक बुलेट मोटरसाइकिल खिंचवा के मंगाई उनके लिए कि हमारी बेटी को कुछ सुख मिले, दुख नहीं पाए जी। तो वहाँ से बारात आ गई, हम खाना पीना खिला रहे थे, घरात को बारात आ ली थोड़ी दूर तलक जी। फिर थोड़ी दूर बारात को रोक के उनने 2 बच्चे भेजे वहाँ से जी। जो देख के आओ क्या क्या सामान मिलेगा वहाँ जी, जी। तो वे 2 बच्चे आए, उनने खाना खाया, तुरंत खाना खाने के बाद उनने बुलेट मोटरसाइकिल देगी, छोटा मोटा सामान देगा, टुल्ले वापसी हो गई। वो वापसी होकर दूल्हे से कह दिया कि वहाँ तो ये बात है और कोई बात नहीं है। दूल्हा वहाँ से बारात लेके दोनों बाप बेटे और उनके ताव उल्टे ही भगे यानी आए हमारे पास, जो हमको डिजायर गाड़ी चाहिए। आधे रास्ते से डिजायर के लिए भाग गए भैया। ये देखिए ये दादा हैं, इनकी देने की स्थिति नहीं है और इतना इन्होंने दिया भी अपनी बेटी के लिए, कौन कितना नहीं करता है, सब लोग करते हैं, जितना हो सकता है सब लोग करते हैं। ये टूटे फूटे घर में ये परिवार रहता है, 3 चद्दर के घर में रहता है, गैस सिलेंडर पर खाना नहीं बनता, चूल्हे पर बनता है। लेकिन मित्रों अपनी बेटी के देने के लिए इन्होंने बुलेट नहीं निकलवाई, लेकिन स्विफ्ट डिजायर चाहिए था भैया। ऐसे लोग क्या पढ़े होंगे, क्या इनकी पढ़ने की औकात होगी और क्या इनकी वैल्यू होगी, लेकिन इनको कौन समझाए कि भैया तुम्हारी 1 पैसे की औकात नहीं और तुम डिजायर चलाओगे, आखिर तुमको बेटियां देगा कौन, ऐसी घटना के बाद तुमको बेटी देगा कौन, तुम निकम्मे हो, तुम कलंक हो इस समाज के लिए। कहां गई एक माता जी थी अभी हमारे साथ, कुछ कह रही थी आप, जरा बताएं कि FIR दर्ज हो गया है और क्या सजा की मांग करती हैं आप? हमने जी मुकदमा दर्ज कर दिया उसको, इतनी बड़ी बार बार कह रहे हैं,
कि उनको इतनी बुरी सजा मिलनी चाहिए, बहुत बुरी सजा मिलनी चाहिए ऐसे दहेज के लालची आदमियों को, जो सो बेटी के उसको बेटी की भूख नहीं थी, उसको दहेज की भूख थी, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी मांग रहा था कि मुझे बुलेट पसंद नहीं, मुझे आपने तो बुलेट दिया था ना। हाँ, हमने बुलेट दिया था। और पहले मांगा था डिजायर या बुलेट? नहीं, कुछ नहीं मांगा था, हमने अपनी मर्जी से अपनी बेटी की खुशी के लिए दिया था कि हम बुलेट गाड़ी सबसे कर्जा करके गाड़ी देने अपनी बेटी के लिए। जी मतलब आपकी देने की क्षमता नहीं है, आप झुग्गी झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत कर, फिर भी आपने अपनी बेटी के लिए दिया, इतना दिया कि वो खुश रहे, अपने पति के साथ खुश रहे, लेकिन वो तो निकम्मा निकल गए। फिर भी उसने दो आदमी भेजे, देख क्या गाड़ी कौन सी है, उन्होंने कहा बुलेट है, मुझे बुलेट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए स्विफ्ट डिजायर गाड़ी अपनी बारात को रास्ते। लड़का कितना पढ़ा था? लड़का लिखा नहीं है। हाँ, लड़का पढ़ा, आठवीं पास था, आठवीं दसवीं पास रहा होगा, लेकिन इच्छा से स्विफ्ट चलाने की। वैसे करते क्या थे? कुछ नहीं करता था, बाप के रोटी पलता था, कुत्ता बन करेंगे। चलिए, हेलो हेलो, करण जी, कौन? रवि भट्ट बोल रहे, स्वतंत्र पत्रकार दिल्ली से। महोदय। यस सर, बोलिए। कैसे हैं? एकदम बढ़िया। अरे बारात वापस ले गए हैं, FIR दर्ज हो गया है आपके ऊपर। और बारात और आज क्यों वापस ले गए भाई? बारात क्यों वापस ले गए हैं? बारात की वापस ले? हाँ सर, बारात का रीजन था कुछ, इसलिए वापस गए सर। मेरी बारात, आपको स्विफ्ट डिजायर चाहिए था और यहाँ पर ये लोग बुलेट दे रहे थे, इसलिए आप बारात वापस ले गए। नो सर, गलत रीजन है ये सर, झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। चलिए ठीक है, हम अलीगढ़ आएंगे और आपको बैठा कर खुले चैनल पर डिबेट करवाएंगे, ठीक है? ओके। हाँ, और सुनिए, और अलीगढ़ के SDM और DM से मेरी बात भी हो रही है, पूरे प्रशासन से बात हो रही है, पूरे कुनबे में बात हो रही है, दूर तक बात जाएगी, लखनऊ तक, और जमानत जब्त हो जाएगी तुम्हारी। ओके ओके। हाँ, तुम्हारी जमानत जब्त हो जाएगी, क्योंकि तुमने किसी की बहन बेटी की इज्जत बर्बाद की है। ओके। हाँ, और ये बात दूर तक जाएगी, ये अब समझ के रखना आप। इस आरोपी को कर्री से कर्री सजा मिलनी चाहिए। आपसे कैसे बात? जी सर, जी सर, हर बात की कह रहा है ना, बड़े प्यार से बात, बड़े प्यार से बात, इसी प्यार से इसको कानून इतनी बड़ी सजा दे जो इसकी रूह भी कापुट है, इसकी रूह कापुट है। देश को एक संदेश जाए, गरीब लोगों को एक संदेश जाए, सरकार गरीब लोगों की देख सके, सोच सके, समझ सके, ऐसे लोगों को एक संदेश मिलना। कहाँ से हैं आप? हाँ, हम यहीं से हैं, पड़ोसी हैं, पारिवारिक सदस्य हैं। हम 5 दिन से परेशान हैं, इन लोगों को परेशान। बारात कितनी तारीख को आई और वापस चली? 1 तारीख को आई थी, बारात को आना था सुबह 10:30 बजे, हमको रात को 12 बजे तक बारात का इंतजार करते रहे। 12 बजे के बाद में हमको पता चला कि बारात यहाँ आकर के दहेज के चक्कर में यहाँ से चली गई। भैया, किसी का घर उजड़ा है, किसी की बहन बेटी की हाथों की मेहंदी उजड़ी है, बहन बेटी हाथ में मेहंदी लगाकर हल्दी लगाकर बैठेगी? हाँ। ये बेटी नहीं है, समाज की बेटी है, सबकी बेटी है, सबकी बेटी है, हमारी सुभाष कॉलोनी की बेटी है। और सुनो, समाज के लिए ना कानून सख्त से सजा देनी चाहिए, बिल्कुल हमारी बेटी है, इनकी बेटी नहीं, झोपड़ी वाले की हमारी बेटी है। कौन इनको सजा दिलाएगा? आप दिलाएंगे, हम दुआएंगे, और संजय कॉलोनी हमारा कानून जी, मोदी जी बैठे हुए देंगे सजा, योगी जी बैठे हुए देंगे कानून के हिसाब से। बेटी पढ़ाओ, बेटी नारा ये है, बेटी इनकी कहाँ रक्षा और कहाँ सुविधा हो रही है? पूरा मामला भैया दहेज का है। अगर दहेज दे देते तो लड़की को ले जाते, लेकिन लड़की का क्या दुर्गति करते डिजायर पाने के बाद, वो नहीं पता। भला हुआ कि लड़की को ले ही नहीं गई। लालची है, लोभी है, ताकि जाए लोभी। और इनको लोभी है, पैसा चाहिए इनको, बेटी नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, हमारी बेटी है कॉलोनी। ये देखिए, इनके भाई बंधु हैं, जीजा फूफा आए हुए हैं, पड़ोसी हैं, इनका करेजा दर्द कर रहा है। दर्द नहीं होगा, हमारी बहन बेटी ना क्या जी जी, सब मामला बुलेट और डिजायर का था। अगर डिजायरवा दे देते तो वो खुश हो जाते, और अगर डिजायर दे देते तो बिटिया का क्या गति करते कुछ नहीं पता। बिटिया की जिंदगी बच गई। हमारी तो यही ख्वाहिश है कि उनको कैडी से कैडी सजा दी जाए। एक ऐसा प्रकरण मित्रों, आइए थोड़ा भीड़ से बाहर आ जाते हैं और आपको एक बार यथार्थ उचित तरीके से बता देते हैं। ये जो बुलेट खड़ी है, दूल्हे राजा को ये बुलेट दी जा रही थी, लेकिन राजा जी को बुलेट नहीं स्विफ्ट डिजायर चाहिए था। मामला 1 तारीख का है, 1 तारीख को बारात आई और इसके बाद मुखबिरों से ये पता चला कि हम भैया इसको हमें डिजायर चाहिए, तो
उन्होंने कहा नहीं डिजायर नहीं, हमको डिजायर चाहिए। इन्होंने परिवार वालों ने कहा नहीं हम बुलेट देंगे, हमारे पास जितनी क्षमता है उतना ही देंगे। इसके बाद ये पता चला कि भैया ठीक है हम बुलेट पे मान जाएंगे, लेकिन वापस बारात लेकर आए जब, तो ये जब उन्होंने दो लोगों को भेजा तो ये बुलेट देखा तो वापस बारात लेकर चले गए। अब इसके ऊपर शासन प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो पहली FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है वो दर्ज कर दी गई है। मामला दो अंतर्राज्यीय है यानी उत्तर प्रदेश और हरियाणा का, तो दोनों शासन प्रशासन लोग इसको आपस में निपटाएंगे, कैसे चलेगा या आने वाले कुछ समय में पता लग जाएगा। मित्रों मैं हूँ इस वक्त हरियाणा में और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ अयोध्या। इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। मित्रों इस वीडियो को फैला दो क्योंकि किसी बहन बेटी को न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, फैलाओ। फिर दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और कहीं भी उसे कोई बेटी देने को तैयार नहीं होना चाहिए, शादी भी नहीं होनी चाहिए, उसे कानून कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए क्योंकि वे लालची हैं। दहेज प्रथा के वो केस लगना चाहिए उसे और उनके परिवार को जो उसे ये बच्चे को भड़का रहे हैं उसको भी सजा होनी चाहिए उनके परिवार वाले को।